आई आई बीएचयू डिपार्टमेंट आई आई बीएचयू डिपार्टमेंट आई आई डिपार्टमेंट आई आई बीएचयू 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 एक्सएन 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 आई 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 बीएचयू एक्सएन आई आई मेरा नाम हाजी मोहम्मद शरीफ। जनाब ये मोहल्ला ए हिल्ला गुलपुर हिल्ला वार्ड नंबर 7 है। इशू ये है कि आज 6 महीने हो गए पानी नहीं आ रहा था। लोगों ने अपने अपने पंप लगाए, आप 10-12 घर आदमी है, ये उसके पास सबके पास पैसे थे नहीं ये पंप निकालने के लिए। दो लाइन ऊपर वाली लाइन पे भी पानी नहीं जा रहा, हमारी लाइन में भी पानी नहीं है। 10 घरों में पानी मिलता है तो इल्ला पुनी दड़ा बराबर पानी नहीं जा रहा। मतलब जे को फ़ोन करते हैं, डी को करते हैं, फ़ोन वो उसने कोड ऐसा डाला हुआ है हमारे फ़ोन वो उठाता ही नहीं। ये काम है जेई का, तो मौका देखना, पानी देखने, पाइप देखने को खिलाफ वर्जी अगर करता है पानी की, 10 घरों में पानी मिलता है, वो अगर 10 घर पानी इधर छोड़ने, जेई का काम है या डी का काम है, मौका देखो उसकी लाइन काटो। आज 6 महीने अगर 20 घरों में परेशान करके रखा हुआ है। मोहम्मद अमीन सर। अमीन सर बताइए क्या इश्यूज़ क्या है। सर हम गुलपुर के रहने वाले हैं, वार्ड नंबर 7 और 5 में। यकीन मानो कि पिछले लॉकडाउन जब से लगाया तब से कोई पानी की फैसिलिटी हमें नहीं आ रही है, और घर इतने हैं सर, लगभग 200-300 घर है, उसके लिए 1 इंची की पाइप लगाई हुई है। आप बताएं सर, शुरू वाले 10 घरों को पानी जाता, आगे हम बिल्कुल इतने परेशान हुए, ना पीने के लिए पानी है, ना मवेशी के लिए पानी है, ना सर कपड़े धोने के लिए, ना खुद मुँह धोने के लिए पानी है। हमारी बात पे गौर करें, अगर डीसी साहब तक हमारी बात पहुंचती है तो वो आके मौके का जायजा लें। ना रोड है सर हमें, ना पानी है, ना लाइट आती है। वो अगर बारिश थोड़ी सी भी आ जाए, एक कतरा भी, तो वो 2 दिन या 4 दिन के लिए बंद हो जाती है। अगर अगर सर हमारी बात को अगर आप नहीं सुनेंगे, सरकार तो कोई है नहीं जो वो सुनेगी हमारी। जम्मू कश्मीर की बहुत बुरी हालात हुई है सर, खास करके हमारे पूंछ की, इस गाँव की बहुत बुरी हालात है। सरपंच है वो अपने काम के लिए सिर मतलब रखता है, दूसरे का किसी का उसको माने नहीं रखता है। और उसके बाद सर आप खुद आए, मौके के हालात देखें, नहर की कितनी बुरी हालात है, और रोड भी नहीं है यहाँ पे। इम्तियाज शाह सर। सर इशू तो वैसे तो बहुत सारे इशू हैं, लेकिन अभी आज का जो हमारा मसला है ये पानी पे है। इसी तरह एक बिजली भी एक मसला है, रास्ता भी एक मसला है, और भी बहुत सारे मामलात हैं, लेकिन अभी जो फिलहाल हमें जो सबसे बड़ी परेशानी है वो पानी की है, जिसके लिए आज हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया है। और आपका मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने आला हुकाम तक हमारी बात पहुँचाने में हमारा तआवुन किया है। सर पीएचई डिपार्टमेंट जो है वो यहाँ पे टोटल ही फेलियर है। मैं आपको बताऊं कि एक एक्सियन साहब हैं जो पिछले 5 साल से एक ही पोस्ट पे यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन उन्हें ये खबर तक नहीं है। उनके पास अगर जाए कोई या उनको फ़ोन करे या उनसे कॉन्टैक्ट करे, रिसेंटली मैं आपको बताऊं कि कल से मैं कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो पता चल रहा है जी कि वो जम्मू हैं, यहाँ है ही नहीं है। तो ऐसे जेई साहब हैं, मैंने उनको 10 बार कॉल की है तो उन्होंने बगैर कॉल उठाए ही मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है। आप चाहें तो मैं अभी फ़ोन पे उनकी सामरी बता सकता हूं आपको कि उन्होंने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। तो ऐसे यहां पे मुलाजिम हैं कि जो वो अपने शायद उनको क्या गुमान है, वो अफसर हैं या कुछ हैं, लेकिन सर हम पैसे टैक्स भरते हैं तो उनको तनख्वाहें मिलती हैं, और हमारे पैसे से तनख्वाहें लेके अगर हमारा वही काम वो नहीं करें जिस पर वो बिठाए गए हैं या जो जिम्मेदारी उनको दी गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो काम भी अगर नहीं करना चाहते, कम से कम मैं कहता हूँ कि अगर वो डेली नहीं तो हफ्ते में एक बार तो उन्हें खबर लेनी चाहिए कि भाई कौन से स्टेशन से पानी जा रहा है। तो 6 महीने हो गए सर, 6 महीने में एक लाइनमैन भी हमारी लाइन पर नहीं आया है, ना ही जेई आया, ना ही सुपरवाइज़र, और ना ही कोई बड़ा अफसर आया है। तो सर ये परेशानी है, मैं डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से खासकर डीसी साहब से गुजारिश करना चाहूँगा कि इसकी फौरी तौर पे खबर लें। हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि हम जाएं शहरों में जाके रोडें ब्लॉक करें, बंद करें। हम कामकाज वाले ज़िम्मेदार लोग हैं, हमें अपनी और बहुत सारी जिम्मेदारियाँ काम करने होते हैं, लेकिन ये एक बड़ी परेशानी है कि हमें पानी जाके 2-2, 3-3 किलोमीटर से बाल्टियाँ भर के बाथरूम के लिए या जानवरों को पिलाने के लिए ज़रूरत पड़े। आप देखें ये हमारे साथ में एक नहर चल रही है, ये नहर बड़ी साफ़ आती थी, नदी से ये नहर आती थी, लेकिन इस पर भी पीछे कुछ ऐसा कोई प्रोजेक्ट लगा हुआ है कि उसमें वाशिंग, सेंड वाशिंग होती है,
और ये पानी हमेशा ख़राब रहता है, इसको जानवर भी नहीं पी सकते। हमें जानवरों के लिए पानी दरिया से लाना पड़ता है सर, यहाँ से 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के फासले पे जाके वहाँ से पानी लाना पड़ता है। पीने की बात तो छोड़े, जानवरों के पीने के लिए पानी नहीं है। तो मेरी गुजारिश है यही महकमे से कि महकमे से क्या गुजारिश करेंगे, अगर महकमे के साथ तो हमने बहुत पहले जो है कोशिश की है उनसे रब्ता करने की, उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। मैं अपने DC साहब से गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ इसकी खबर लें और इनका जो है हमारा मसला फौरी तौर पे हल किया जाए। जी शुक्रिया।